Hello students, in this lecture video we are going to start a new topic, that is alternate tax regime. See, we have already studied computation of income tax as per normal provision, right? Before I start with this chapter, aap sab dhyan rakhna, please ensure that you have studied all the concepts of income tax. All the concepts in the sense, like you must have knowledge about the entire income tax, that is how to compute income tax as per normal provision. Then you must know the basic knowledge about all the five heads like salary, house property, PGBP, other sources, capital gain, right? Aapko in sab ke bare mein proper knowledge honi chahiye. Then you must also know about the deductions. बिकॉज अगर आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा तो आप ये न्यू टैक्स रिजाइम आप नहीं पढ़ सकते, राइट? तो इसलिए ये मैंने चैप्टर जो बिल्कुल एंड में कराया, बिकॉज अगर मान लो ये चैप्टर मैं पहले ही करा देता नॉर्मल प्रोविजन के साथ ही, तो आपके माइंड्स में ये चैप्टर आता ही नहीं, आप सब हवा में रहते, ठीक है? बिकॉज इस जो कॉन्सेप्ट ये जो आया, दैट इज 115BSA न्यू टैक्स रिजाइम, ये उनके लिए है जो बेसिकली टैक्स प्लानिंग अगर किसी करनी हो तो वो इस तरीके से कर सकते हैं. मीन्स गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स रिबेट लिखा है, सॉरी नया टैक्स लैब लिखा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि आप चाहे नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल लो या आप इसके अकॉर्डिंग चल लो, चॉइस आपके हाथ में है. जिसमें आपका टैक्स जिसमें ज़्यादा सही हो रहा हो, आप वो टैक्स लैब रेट आप ऑप्ट कर सकते हो. ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया है, राइट? तो अब जब आप टैक्स रिड्यूस की बात करोगे तो दैट मीन्स यू मस्ट नो अबाउट द इनकम टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स, देन हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स, देन वेयर योर इनकम बेसिकली लाइंग, लाइक इन विच हैड योर इनकम बेसिकली लाइंग, लाइक इधर फ्रॉम इधर यू आर इनकमिंग जनरेटिंग फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम कैपिटल गेन, राइट? तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. इवन जो उनके अंदर जो एग्जामिशंस हैं वो भी आपको उसके प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने आपको पहले से बता देता हूँ कि आप सब टॉपिक सब जितने भी टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स के, सब अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप इस टॉपिक पे हो, राइट? ये टॉपिक अगर आप लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. मैं कहूँगा बहुत छोटा भी है और बहुत सिंपल भी है. बस समझने का तरीका थोड़ा सा हट के देखना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ नहीं चैप्टर में, राइट? चलिए, क्या है ये सेक्शन 115BSE? न्यू सेक्शन जो है इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट में 2020 में, ठीक है? एंड दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2020-21 टू 2022, यानी कि जिस ईयर का आप इनकम टैक्स निकालने जा रहे हो ये उसी ईयर से एप्लीकेबल है, राइट? देखिए, ये 115BSE आप होने के लिए एप्लीकेबल है जो आप अब एग्जाम देंगे 2020-21 में, राइट? चलिए, है क्या ये? ए पार्ट क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया. अच्छा, ये ऑप्शन दिया किसको है, किसके लिए है? ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडिविजुअल एंड HUF, ये सिर्फ इन्हीं के लिए है. यानी कि कोई फर्म, LLP, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी हो, ये उनके लिए नहीं है. ये सिर्फ ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को दिया हुआ है, ठीक है? देखिए, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो जब आप बाद में देखोगे कि आप भगवान से दुआ मांगोगे कि एग्ज़ाम में यही सेक्शन आए तो ज़्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोविज़न. और तो अब आपके हाथ में तो नॉर्मल प्रोविज़न आपके अच्छे से बैठ गया. सर, हमने तो बहुत बार प्रैक्टिस कर ली, आपने कितने सारे क्वेश्चन कराए, हमको तो नॉर्मल प्रोविज़न अच्छे से आता है, राइट? बट जब आप 115BSE पढ़ोगे ये बहुत ईजी है, और आप दुआ भी करोगे कि यही आए. क्यों? अब आपको थोड़ी देर में सब पता लगेगा. चलिए, पहले पार्ट क्या है? दैट इट इज़ एन ऑप्शनल स्कीम. किसके लिए है? ओनली फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द HUF, राइट? क्या लिखा हुआ देखिए, एज पर सेक्शन 115BSE इंडिविजुअल और HUF हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम. यानी कि टोटल इनकम पे सेक्शन 115BSE के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और HUF को ऑप्शन दिया हुआ है. बट इन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अदर देन, यानी कि इन इनकम को छोड़कर. कौन सी इनकम को छोड़कर? चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स सच एज 111A, 112, 112A,
115BB, 115BE एसेट्रा, यानी कि ये कौन से हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है मेरे सब, ये कौन से हैं स्पेशल इनकम। आपको याद होगा जब हमने कंप्यूटेशन हमने पढ़ा था इनकम टैक्स का, एज पर नॉर्मल प्रोविजन मैंने आपको क्या बताया था, एट फर्स्ट वेन एवर यू गेट ग्रोस टोटल इनकम यू नीड टू बाइफर्केट दैट इनकम इनटू टू पार्ट, दैट इज स्पेशल इनकम एंड दी नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम कौन सी होती है, जिन पे टैक्स रेट फिक्स है, ठीक है, से 10%, 15%, 20%, 25%, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। लेकिन जिन पे फिक्स रेट नहीं है तो उस पर आपको स्लैब रेट पे आना पड़ेगा, यही सेम रूल यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। यानी कि 115BS में ये बोला हुआ है, जैसे आप नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग देते हैं वैसे ही चलेगा, ठीक है। बट क्या बोला हुआ है, एट दी फॉलोइंग कंसेशन रेट, यानी कि नीचे कुछ कंसेशन रेट यानी कि स्लैब रेट गिवन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115BAC2। अब ये क्या है, देखो ध्यान से देखिए, 115BAC की 2 क्या है बेसिकली, ये क्या बताना चाह रहे हैं, यानी कि पहले तो बोला हुआ है इन गवर्नमेंट ने कि ये जो 115BAC सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ के लिए है, और इस पे जो स्लैब रेट यानी जो कंसेशन टैक्स रेट दिया हुआ है उस पे स्पेशल रेट वाले जो टैक्स आते हैं तो वो तो वही कंटिन्यू चलेंगे, बाकी पे न्यू जो स्लैब रेट वो अप्लीकेबल होगा, राइट। यहाँ तो समझ गया, कंडीशन क्या है कि आपकी जो टोटल जो इनकम है वो आपकी कैलकुलेट होगी एज पर 115BAC2, यानी कि ये क्या 115BAC2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि इसमें आपका जब आप जैसे ही 115BAC में जाओगे तब तो आपकी टैक्सेबल इनकम इस तरीके से निकलेगी एज पर 115BAC, एज पर 115BAC अकॉर्डिंग, BAC2 के अकॉर्डिंग आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी, उसके बाद आप जो है यहाँ पर नया वाला स्लैब रेट लगाओगे। यानी कि देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड दैट वेदर यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर 115BAC और नॉट, एंड वंस यू डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर 115BAC देन द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एज पर 115BAC2, राइट। एंड वंस यू रीच टू टैक्सेबल इनकम देन यू नीड टू कैलकुलेट योर टैक्स लाइबिलिटी एज पर 115BAC1, राइट। पहले 2 आता है फिर 1 आता है, याद रखना। चलिए अभी जो स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट कैसे है ध्यान से देखिए, ये स्लैब रेट है एज पर 115BAC1 के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट देखिए बहुत ईजी है, अप टू रुपीज 2,50,000 नील हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, देन अबव 2,50,000 अप टू रुपीज 5 लाख 5%, देन अबव 5 लाख अप टू रुपीज 7,50,000 10%। आप जैसे देख सकते हो कि जैसे जैसे इनकम इनकम बेसिकली इंक्रीजिंग बाय 2.5 लाख एज वेल एज द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय 5%, राइट। इसी है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 30% देखो टैक्स कब लग रहा है, वेन दी टैक्सेबल इनकम रीचिंग अबव 15 लाख, एंड नॉर्मल प्रोविजन में क्या था, जैसे ही इनकम 10 लाख से अबव होती थी तभी 30% लगेगा। अब आप बोलोगे सर फिर तो 115BAC ज़्यादा बेनिफिट है, राइट, लेकिन बट अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आगे देखेंगे भाई, अगर गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रही है तो फिर तो सब यहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ तो बात होगी नॉर्मल प्रोविजन में और उसमें, कुछ तो कंपेयर करने के लिए कुछ तो होगा। चलिए तो ये है आपकी स्लैब रेट, याद करना बहुत इजी है। तो चलिए एक काम करते हैं, न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो जाए कि करना किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स एज 63 ईयर्स opted for section 115BAC, his income is computed as per 115BAC2 and it is rupees 10,50,000 including LTCG 112 of rupees 1,50,000, right। Mr. X है जिनकी एज क्या है, दैट इज अबव 60 है, दैट मीन्स किस में आ गए, अब ये सीनियर सिटीजन में आ गए,
और उन्होंने जो है 1/5 BC को ऑफ कर लिया। उनकी टोटल इनकम कितनी है, दैट इज 10,50,000, जिसमें LTCG की जो कि 1/2 में उसे बिलोंग करती हैं और वो 1,50,000 की है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1/5, आप दुआ करोगे कि आए क्यों। देखो फर्स्ट स्टेप में बताएगा आपको क्या लिखोगे, पहले ऊपर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन, आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट मीन्स एज पर सेक्शन 115 BAC 1, BAC 1 क्या करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप जैसा हमने पहले किया था, देखिए टोटल इनकम कितनी है, टेन लाख 50,000। जस्ट बाइफरकेट दिस इनकम इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज दैट इज स्पेशल इनकम, विच इज दैट इज LTCG है आपकी ऑफ रुपीज 1,50,000। आपको पता है इस पे टैक्स कितना रेट एप्लीकेबल होगा, दैट इज 20%, राइट। देन सेकेंड वन वी हैव दैट इज अदर इनकम एंड वो कितनी है, दैट इज ऑफ रुपीज 9 लाख। इस पे तो आपका क्या रहेगा, स्लैबेड कौन सा वाला, नया वाला, यही है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट, दैट एग्जाम में आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करनी, बिकॉज इनकम टैक्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो आपको जो भी आंसर देने हैं वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देने हैं। कैसे देने वो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले आप क्या लिखोगे, टैक्स ऑन LTCG विच बिलोंग्स टू सेक्शन 112, तो आपका टैक्स कैसे निकलेगा, 1,50,000 का 20% इक्वल टू 30,000, राइट। देन टैक्स ऑन अदर इनकम दैट इज ऑफ रुपीज, कैसे देखा है, देखो टोटल इनकम कितनी है, 10,50,000 लेस 1,50,000 विच कम्स टू रुपीज 9 लाख। अब इस ये इनकम हम कैलकुलेट करेंगे एज पर स्लैब रेट, राइट। अब ध्यान से देखो स्लैब रेट, अभी हमने स्लैब रेट में पढ़ा कि अप टू रुपीज 2,50,000 नहीं लें, बट सर ये तो सीनियर सिटीजन है तो उसमें तो हमको देखना पड़ेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, दैट इज ₹3 लाख। बट स्टूडेंट याद है ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1/5 BAC 2 एंड यहाँ पे कोई भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एसएससीज एज, देयर विल बी नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और की है कौन सी, दैट इज 2.5 लाख, 2.5 लाख दैट इज सेम फॉर एवरीवन, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई मतलब नहीं है। देखिए मैंने पहले कहा था फर्स्ट स्टेप में सिंपल हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें दिखना ही नहीं है, ठीक है। तो बस कैसे करोगे, 2,50,000 से फाइव लाख तक, दैट इज 5%, 12,500, देन 5 लाख अबव अप टू रुपीज 10 लाख, अप टू रुपीज 10 लाख होगा, सॉरी सॉरी स्लैब रेट कौन सी है, हमारी पुराने वाली, सो दैट मीन्स 7,50,000 एट द रेट 10% इक्वल्स टू 25,000,
then about 7.5 lakh up to rupees 9 lakh at the rate 15% equals to 22,500. Right, that's it. Now calculate the total basic tax. टोटल बेसिक टैक्स कितना होगा देखिए, इसका टोटल जाएगा 60 प्लस 30, दैट इज 90, एंड देन वी विल ऐड 4% हायर एंड एजुकेशन सेस, 3600. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 93,600. दैट्स इट. इसलिए कहा था मैंने इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस नया स्लैब भी रखना है. और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर बेसिक एक्सटेंशन भी सबके लिए सेम है, दैट इज रुपीज 2.5 लाख, दैट्स इट. सिंपल है. देखिए मैंने आपको कहा था आप दुआ करोगे कि 1/5 BSC आ जाए एग्जाम में, ठीक है. बट अगर मैं आपको बताऊँ अपने पर्सनल, मैं अपने पर्सनल पढ़ने से, ये गवर्नमेंट को एक्चुअली 1/5 BSC सेक्शन जो इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहिए था, ठीक है. क्यों नहीं करना चाहिएगा अभी अब बात पढ़ूंगा. चलिए ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए मैं आपको ना 1/5 BSC जब भी सेक्शन ये मैं करा रहा हूँ तो हम इसके वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले करे थे, ताकि आपको दोनों में जो है कन्फ्यूजन ना हो कि सर नॉर्मल प्रोविजन वही चलता था तो क्या इसको 1/5 BSC सेक्शन में अप्लीकेबल होगा. तो वो सब मैं पूरी क्लैरिटी लेके चलूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पहले से रेडी किए हैं. राइट, देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो अराइज हो रहा होगा कि सर आपने बोला कि सर हम टैक्स प्लानिंग करेंगे, यानी कि जिससे भी टैक्स रेट टैक्स लायबिलिटी कम आएगी हम उसको अप करेंगे. राइट, बट सर पता कैसे चलेगा, मतलब हम दोनों से कैलकुलेट करेंगे? सर कुछ तो पॉइंट होगा, मतलब देर शुड बी सम लाइक ब्रेक इवन पॉइंट, कि जहाँ पर कहेंगे अगर इस इनकम से अगर ऊपर या नीचे गया तो फिर हम मान लेंगे हाँ भी किसको अप करना है किसको नहीं करना, ठीक है. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि दोनों में जो है टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना दोनों में डिफरेंस है. नॉन प्रोविजन अब तक हम जो पढ़ा था क्या करते थे, GTA लिया, डिडक्शन ली, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई. राइट, बट इस केस में थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि एग्जामिशन कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, डिडक्शन भी ऐसी है कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी. तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1/5 BAC2 के अकॉर्डिंग आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कुछ और आएगी, ठीक है. टोटल टैक्सेबल इनकम कुछ हो रही है. तो जब भी आप देखना अगर टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन एंड टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर एज पर 1/5 BSC अगर इनका डिफरेंस 2.5 लाख तक है तब तो आप ये नया वाला ले सकते हो. बट अगर 2.5 लाख का डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जाना ही पड़ेगा. जैसे मैं आपको समझ देता हूँ, चलो लिख ही देते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो, आप लिख लो उसको. टैक्स लायबिलिटी, वुड बी सेम if total taxable income as per normal provision and 1/5 BAC is not less than the amount
rupees to open 5 lakh. As compared to section 115 BAC. जैसे मान लीजिए नॉर्मल प्रोविजन अगर आपने ऑफ कर लिया, मान लीजिए ये इनकम आई सपोज 15 लाख, राइट, और फिर आपने 115 BAC अगर आप ऑफ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही सपोज 17,50,000, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो जब इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आपकी आएगी 2,73,000, और वो इसमें भी सेम ही आएगी 2,73,000 सेम आएगी। तो अगर डिफरेंस अप टू रुपीज 2.5 लाख है तब तो ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं सीधे से आपको बताऊँ, सपोज अगर आप सीई हो, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे अपना, मैंने सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो बताओ कि मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी। तो बोलोगे आप, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर आप जो है 115 BAC ऑप्ट करना ही क्यों चाहते हो, बिकॉज देखिए टैक्स तो पे करना ही है, तो जब पे करना ही है तो पहले पता चले कि 115 BAC ऑप्ट क्यों कर रहे हो। क्योंकि आप देखो कि आप सर आप आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने 15 लाख तो नॉन प्रोविजन लिखा, बट आपने वहाँ पर ज़्यादा लिखा, मैंने ज़्यादा लिखा ही क्यों है, बिल्कुल ज़्यादा आएगा। देखो तो कुछ एग्जेम्पशन या कुछ डिडक्शन ऐसी है जो आपको 115 BAC अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, 115 BAC अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल टैक्स एबिलिटी, टोटल टैक्स इनकम आपकी ज़्यादा आएगी, आपका भी देखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कौन सा एग्जेम्पशन या कौन सा डिडक्शन ऐसी है जो 115 BAC अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। तो जब आपको नहीं मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली आपकी टोटल टैक्स इनकम ज़्यादा आएगी। तो अगर ये डिफरेंस अगर अप टू 2.5 लाख है तब तो ठीक है, तब तो आप कोई भी ऑप्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तब तो आपको नॉर्मल प्रोविजन यानी कि जो ओल्ड हमारा जो है वही आप लेके चलोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर 2.5 लाख से कम है, मान लीजिए 1 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, तब तो आप 115 BAC में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देखना पड़ेगा आपको, अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे आपको और क्लियरिटी होगी। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर जी रेजिडेंट 85 ईयर्स ओल्ड ऑप्टेड फॉर 115 BAC। देखिए 85 ईयर्स ओल्ड है, कन्फ्यूज मत होना, सुपर सीनियर सिटीजन है, दो दिस पर्सन इज सुपर सिटीजन बट द बेसिक एक्सेंशन लिमिट वुड बी सेम फॉर एवरीवन। हिज टोटल इनकम एज पर 115 BAC 2 दैट इज ओवर रुपीज 90 लाख इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी ओवर रुपीज 3,50,000, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, लॉटरी इनकम सपोज ये रिसीव्ड अमाउंट है, कैजुअल इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड लिखना भूल गया मैं, मान लीजिए रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने लॉटरी में कितना पैसा लगा उसका मतलब नहीं है, आपको मिला कितना, दैट इज 3.5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है वो TDS कट के मिला, ये रिसीव्ड इनकम है, एक्चुअल इनकम नहीं है, रिसीव्ड इनकम है। सो दैट मीन्स आपके हाथ में वो 70% अमाउंट आया, 30% TDS कट चुका है, सो दैट मीन्स आपके ग्रोस अमाउंट कितना होगा, ये 5 लाख, नॉट 3.5 लाख, राइट। मैं यहाँ लिखना भूल गया बिकॉज आप मुझे आपको बताना था ये चीज, बट मैं आपको जब मैं अभी इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर ये इनकम रिसीव्ड होगा, राइट। चलिए तो ये मैं क्वेश्चन कराई कर रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर इसमें ऐसा मतलब है क्या, ताकि आपको पता चला है कि इनकम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको को क्या डिफरेंस आता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ
tax liability. As per section 115 BAC 1, right? देखिए ये टोटल इनकम है 90 लाख, ठीक है, टोटल इनकम है 90 लाख, लॉटरी तो स्पेशल इनकम होगी, लॉटरी तो स्पेशल इनकम होगी, सो दैट मीन्स हमें लिखेंगे पहले टैक्स ऑन लॉटरी, बैक इंडेक्स ऑफ द अदर इंडेक्स था 30%, ठीक है, तो वो कितना आया था, दैट इज 1,50,000. फिर टैक्स ऑन अदर इनकम वो कितनी रहेगी, देखिए ध्यान से देखना कितनी रहेगी, टोटल इनकम कितनी थी 90 लाख, 90 लाख में से कितना लेस करोगे आप, 350, नो 350, 5 लाख लेस करोगे, 90 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे, बिकॉज वो 5 लाख था ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 85 लाख, राइट, तो बस इसमें से आप क्या करोगे स्लैब इट, दैट मीन्स इसमें कितना होगा 5%, 12,500, एट द रेट 10%, 25,000, एट द रेट 15%, 20%, comes to amount of 62,500, then above 15 lakh at the rate 30% comes to amount of rupees 21 lakh. ये टोटल हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 24,37,500. ये टोटल हो गया टोटल बेसिक टैक्स, टोटल बेसिक टैक्स, राइट. अभी आपको याद होगा सरचार्ज वाला कंसेप्ट, सरचार्ज वो लगता है वंस द टोटल टैक्स इनकम एक्सीड रुपीज 50 लाख, तो क्रॉस कर गई तो सरचार्ज भी लगेगा, कितना लगेगा 10%, तो वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, वो सेम ही है. ऐड करो यहाँ पर आप 10% सरचार्ज, इसलिए मैंने कुछ नहीं ऐड किया. और फिर 4% हायर एंड एजुकेशन सेस, That is 1,07,250.
tax liability would be 27,88,500. That's it. Easy है. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर अभी दो क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें एक विदाउट सरचार्ज और एक विद सरचार्ज दोनों ही हैं. आगे और भी करेंगे रिबेट वाले क्वेश्चन, ठीक है. तो वो भी रिबेट भी सेम है, यानी कि रिबेट वहाँ भी लगता है यहाँ भी लगेगा, राइट. चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कि मेजरली इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ देखिए ध्यान से, फर्स्ट में लिखा हुआ है सर्टेन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड. दैट मीन्स इफ द इंडिविजुअल, इफ एन इंडिविजुअल और एच ए एफ ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 15BAC, देन दे विल नॉट गेट दीज डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस. कौन कौन से नहीं मिलेगी, ये है सब लिस्ट. फर्स्ट पर देखिए, आपको याद होगा 10(5) दैट इज रिलेटेड टू LTC. मैंने पर लिख भी दिया कि ये एग्जेम्पशन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज सैलरी. सो दैट मीन्स अगर आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपका एम्प्लॉयर अगर कोई LTC की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो जो भी आपके हाथ में आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. देन हाउस एंड अलाउंस, ये सबसे बड़ा लॉस हुआ बिकॉज देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं वो उनका अपना घर नहीं है, तो वो हाउस एंड को मिलता है बट एग्जेम्पशन भी वो ले लेते हैं बिकॉज रेंट पे कर रहे हैं, वो कुछ तो पे रेंट पे कर ही रहे हैं. बट अगर वो सेक्शन 15BAC को ऑप्ट करते हैं तो फिर हाउस एंड अलाउंस तो मिलेगा बट उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. देन स्पेशल अलाउंस वो भी नहीं मिलेगी. देन अलाउंसेस टू MP MLA वो भी नहीं मिलेगा. ये अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो वो कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सेक्शन 15BAC पढ़ने जा रहे हो, देन यू मस्ट हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट द इनकम टैक्स, राइट. देन सेक्शन 1032 आपने पढ़ा था क्लबिंग में कि अगर किसी माइनर कोई इनकम अराइज हो रही है तो वो कौन से पेरेंट्स के इनकम में टैक्सेबल होगी, उस पेरेंट्स की जिसकी इनकम ज़्यादा है. बट एग्जेम्पशन मिलती है कितनी, 1500 की. बट वो यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्लब तो हो जाएगा बट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. कब नहीं मिलेगी, अगर अगर 115 सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो. देन सेक्शन 10AA डिडक्शंस टू यूनिट्स दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया. ये वैसे तो PGB चैप्टर में आता है, ये मैंने आपको वहाँ पर नहीं पढ़ाया क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे इतना नहीं पढ़ाते, बट मैंने आपको फिर भी लिख दिया. एक्चुअली कंसेप्ट ये था, जैसे मैं एग्जाम बताऊँ आपको, एग्जाम देता हूँ गुरुग्राम का. अगर आप आज से 15 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट बॉडी यहाँ पर आके अपना बिजनेस चलाती है तो यहाँ पर आने वाले 10 साल में उनको 100% जो है टैक्स नहीं देना. यानी कि चाहे आप कितना भी कमाओ, कितना प्रॉफिट अर्न करो, उस पर आपका 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी एज पर सेक्शन 10AA, ठीक है. लेकिन अब अगर आप ये कोई बिजनेस कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में, तो इसमें आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट. देन सेक्शन 16 दैट इज डिडक्शन रिलेटेड टू ग्रॉस सैलरी. देखिए हमारे यहाँ से मेजर देखो चेंज किया हुआ है. 16(1A) आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टेट अभी मेरी 45,000 की, वो नहीं मिलेगी. फिर है 16(10) एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. देन प्रोफेशन टैक्स की भी नहीं मिलेगी. देखियो आप देख सकते हो कितना चेंजेस होगा. देन कम टू 24B. पहले तो HRA नहीं लिया, बट अगर मान लीजिए अपना घर है, लोन भी ले लिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, बट याद रखना ये ना यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है. अगर आप लेट आउट लेते हो तो फिर मिल जाएगी आपको, ठीक है. मीन्स अगर आपने घर ले लिया, आपने उसको लोन पर लिया हुआ है बट आप खुद नहीं रह रहे, आपने इसको रेंट पर चढ़ा दिया, तो उस केस में आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो, बट अगर आप खुद रह रहे हो तो फिर नहीं मिलेगी. देन सेक्शन 3214 डेप्रिसिएशन. PGBP में कैपिटल एसेट आपके पास, ठीक है, डेप्रिसिएशन आप उसको डेबिट कर देते, अब नहीं कर पाओगे अगर आपने सेक्शन 15BAC ऐड कर दो.
अच्छा, यहाँ पर डेप्रेशन दोनों है, कौन कौन से? डेप्रेशन एज वेल एज एडिशनल डेप्रेशन। मतलब सर, यहाँ पर डेप्रेशन मतलब पुराना डेप्रेशन, यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई एसेट ऐसी है जो 5 साल पुरानी है और उस पर आप SLM लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो नहीं मिलेगा अगर आपने 1.5 BS8 कर लिया। एडिशनल डेप्रेशन मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी 5 लाख की, 5 साल पहले मशीनरी खरीदी, उसके बाद आप अपने 5 साल बाद आपने 5 लाख की और खरीद ली एडिशनल मशीनरी पे है, तो एडिशनल मशीनरी पे एडिशनल डेप्रेशन लगेगा, तो उस केस में भी आपको नहीं मिलेगा। देन 32AD, ये मैंने नहीं पढ़ाया बिकॉज अगेन ये आपका इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, पर छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप किसी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको 100% एग्जेंप्शन मिल जाती है, बट अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हो तो फिर नहीं मिलेगी, राइट। सेक्शन 35 आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च, तो 100% मिली थी, अब नहीं मिलेगी। 35AD आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, VIP, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है, जैसे कोल्ड चेन फैक्ट्री में पढ़ा था, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें एग्जेम्पशन मिली थी, अब नहीं मिलेगी। देन 57 हमने पढ़ा था, दैट इज रिलेटेड टू फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर आप ऑप्ट करते हो तो अब नहीं मिलेगी, ठीक है। देन जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो 80C to 80U में आ रहा है, मीन्स अगर आप 1.5 BS लेते हो तब आपको कोई भी ड्यूरेशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दिस। कौन कौन सी नहीं मिलेगी? 80CCD2, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS, क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयज, ये मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। हमें 80CD2 में दो पड़े थी, एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर वाली आपको नहीं मिलेगी बट ये मिलेगी। देन सेक्शन JAA, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई बिजनेस है, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय को वो हायर करते हैं उससे रिलेटेड जो खर्च खर्चा होता है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड है, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C to 80U, सब भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट है ये सब कि कौन कौन से एग्जेम्पशन मिलेगी और कौन कौन से नहीं मिलेगी। भाई 1.5 BS आपको भूल ही जाओ, अब आप समझ गए होंगे सर इसमें तो डिफरेंस डायलैक्ट्स ऊपर आएगा ही आएगा। भाई पहले आप खुद देखो सेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन 80C to 80U, अगर आप सिर्फ 80C पे भी देखोगे, देखिए आजकल हर घर में देखिए हर कोई इंश्योरेंस तो करता ही है भाई, LIC हो गया, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में खर्चा भी करता है, ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं, ठीक है, या फिर अपने बेटे बच्चों के जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डी सेक्शन 80D की तरफ आप मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं, आजकल हर घर में कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी तो कराते कराता है, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर अगर किसी का बच्चा अगर कोई बाहर फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो हायर एजुकेशन लोन लेना तो है, तो 80E के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले लेते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जेम्पशन जो नहीं मिलेगी, तो अगर देखा है तो यहाँ पर SSC का पूरा टोटल लॉस ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता कि सेक्शन ये गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, कि गवर्नमेंट किस मोटिव से ये सेक्शन गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप डिडक्शन देखे हो तो ये गवर्नमेंट तो ये लोगों की सेविंग हैबिट को बढ़ाता भी है, प्लस मनी सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर गवर्नमेंट ये बोले सिर्फ 1.5 BAC रह जाएगा, नॉर्मल प्रोविजन कुछ नहीं रहेगा, तो फिर मुझे लगता है ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बाकी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो बाद में देखेंगे फ्यूचर में, बट एट प्रेजेंट अगर बोलूँ तो नॉर्मल प्रोविजन ही बेटर है, बिकॉज इससे लोगों की टैक्स भी सेविंग हो रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट की मतलब इंडिविजुअल्स की या लोगों की कह सकते हो सेविंग हैबिट बढ़ रही है, राइट। एक तरह से कह सकते हो गवर्नमेंट इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बोलना चाहिए कि हम CA गए यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका रोल यहाँ पर कम करना चाह रही है, बिकॉज उनकी थिंकिंग ये है कि लोग जो है अपने इनकम को मैनिपुलेट करके चार्टर्ड अकाउंट से जो है वो इनकम कम करा लगे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्योंकि अब कि वो CA का अपना बन कम करना चाह रहे हो कि भी लोग अब CA के पर ना जाए, बिकॉज आप देखो सब डिटेल हटी जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो जो भी हाथ में आए वो टैक्स काम करता CA के पे तो ही हो। चलिए स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द बेटर क्लैरिटी।
Mr. X, 82 years old, resident, has the following income. Business income 20 lakh. Undisclosed income 6 lakh. He has contributed rupees 1 lakh in PPF, which is eligible for the deduction under section 18. Compute the total taxable income and tax liability as per section 15 BAC. राइट तो देखते हैं इसको कैसे करना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप ऑल्दो आप प्रे करोगे कि 15 BAC आ जाए, बट वंस यू रीच आफ्टर टू टू ईयर और थ्री ईयर, लाइक व्हेन यू आर रीचिंग टू अर्निंग स्टेज एंड जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहोगे ना, तब आप ये दुआ करोगे कि भी 15 BAC आए ना। ठीक है, चलिए देखिए बात उसकी नहीं है कि टैक्स की बात नहीं होती, मेरे को लगता है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 BAC इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे 2008 में जब हमारी इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउन हुई थी, सिर्फ एक इंडिया की ऐसी इकोनॉमी थी जो काफ़ी जल्दी रिकवरी हो गई थी और इतना डाउन नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज इंडियन पीपल हैव मीन्स बैंक बैलेंस बहुत अच्छा था उनका एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बैंक बैलेंस इन द सेंस उनका सेविंग मोड बहुत अच्छा था, आदत है, ठीक है, सेविंग करने की आदत है यहाँ पर लोगों को, तो इसलिए यहाँ की इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवरी भी कर जाती है। बट अगर ये सेक्शन रिड्यूस हो गया तो काफ़ी दिक्कत आने आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक श्योरिटी नहीं कह सकता कि भी आएगी ही, बट अगर आप जैसे कि प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ये सब अगर लेने से अगर लोगों की टैक्स सेविंग भी हो रही है और सेविंग हैबिट भी बढ़ रही है हाउस होल्ड्स में, तो इससे अच्छी बात क्या है। चलिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए इसके अगर देखा जाए तो जी टी है, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम है कितनी, पीजीवी का कितनी है 20 लाख, अनडिस्क्लोज्ड इनकम 6 लाख है, ठीक है, तो जीटीए कितनी होगी 26 लाख, राइट। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को पता ही है ब्लैक मनी के अकॉर्डिंग होती है, आपको मैंने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब क्या होता है, यानी कि वो इनकम जो आपने पता ही नहीं है, मीन्स दिखाई नहीं, रेट बढ़ गया पकड़ गए आप तो ब्लैक मनी। अच्छा अनडिस्क्लोज इनकम और भी होती है, जैसे मान लीजिए आप टैक्स पेयर हो, राइट, अब आपकी वाइफ है या आपकी मदर है वो होम मेकर है और उनकी इनकम जीरो है, अब आप सोचते चलो इनकी ना कुछ इनकम दिखा के टैक्स जीरो कर देते हैं। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने इनकम को शो कर दी सपोज 1 लाख, तो ऑब्वियसली उनकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो आएगी। तो अगर मान लीजिए इस केस में भी ये इनकम अनडिस्क्लोज मानी जाएगी, अगर मान लो कहीं को कल को आपके घर में रेड पड़ जाती है, तो बताओ कि भी वो पैसा कहाँ गया जो आपने वहां पर शो किया था, ठीक है, तो वो भी एक तरह का टैक्स वो जो है अनडिस्क्लोज ब्लैक मनी में माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से अनडिस्क्लोज इनकम होती है। तो देखिए पहले होगी स्पेशल इनकम, जिस पे वो कितनी है 6 लाख रुपए है, जिस पे 30% के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है दैट इज ओवर रुपीज 1,80,000, राइट। देन इसके बाद आपके पास आती है अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है 20 लाख। अब इस पर हम लगाएंगे स्लैब रेट, दैट मीन्स आफ्टर 2.5 तो लेकिन नील है, देन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% दैट इज 12,500, 5 to 7.5 लाख 10% 25,000। अब
to 10 lakh, 15%. Then 10 lakh to 12.5 lakh at the rate 20%. Then 12.5 lakh to 15 lakh at the rate 25%. Then above 15 lakh at the rate 30%, right? अगर आप इनका टोटल करते हो देन यू विल गेट 3,37,500. राइट, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स जो है वो 60% है, लाइक मनी 60% है ना भाई. हाँ, तो इस पे जो बेसिक टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 3,60,000, सॉरी. तो बस बेसिक टैक्स कितना होगा मिला के, सिक्स लैख 97,500 सरचार्ज भी लगेगा. तो सरचार्ज किसमें लगेगा भाई, 50 लाख से इनकम नहीं है, ब्लैक मनी तो है. कितना लगेगा आप, 25%, कितने का, 360 का. कितना आएगा, 90,000. देन 4% हायर है एजुकेशन चार्ज, सॉरी 31,500. ये आपकी होगी टैक्स लाइबिलिटी. ठीक है, मैंने पढ़ा था, इजी है, इजी है क्वेश्चन, चैप्टर ही इजी है. इजी क्यों है, एग्जाम से मिलनी नहीं है, नीट से मिलनी नहीं है, जो आया वो टैक्स काम होगा. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, देखिए सरचार्ज देखिए वो इसी में अप्लीकेबल है, बेसिक एक्सेप्शन लिमिट सेम ही रहेगी, कुछ भी समझ में नया सर बिल लगाना काम बताऊँ. मिस जी हैविंग ग्रोथ सैलरी ऑफ रुपीज 4,80,000. अच्छा आप देखोगे मैंने PPF लेस नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो मिलेगी नहीं इसमें डिडक्शन, तो ऐसे इसको सेविंग पोस्ट ऑफिस की नहीं मिलेगी. ठीक है, तो देखिए मिस जी की इनकम कितनी रहेगी, ओनली 4,80,000. GDI कितनी रहेगी, ओनली 4,80,000, राइट. तो जो आप टैक्स निकालोगे दैट इज टैक्स एज पर 115 BAC 2 के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो टैक्स कैसे निकालोगे भाई, 4,80,000 लेस 2,50,000, इसका 5% निकालोगे विच कम्स टू अमाउंट ऑफ रुपीज 11,500. इसके बाद क्या करोगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A काटना, रिबेट हो सरचार्ज हो सब पैसे में अप्लीक वाले हैं, मैक्सिमम कितना होता है 12,500, बट कितना है 11,500. दैट्स इट, टैक्स सर्विस का कंसेप्ट वही है,
कुछ चेंज नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। मिस वाई ऑप्टेड फॉर सेक्शन 1 में बीएससी हैविंग द फॉलोइंग इनकम पीजीवीपी 2 करोड़ 80 लाख, एसटीसीजी लिस्टेड शेयर्स में एसटीडीपी भी किया हुआ है दैट इज अमाउंट ऑफ रुपीज 30 लाख। तो ये तो आपका 111A में काउंट कर जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये तो स्पेशल इनकम होगी, अदर इनकम को देंगे 2 करोड़ 80 लाख, तो स्पेशल लाइब्रेट लगेगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सीधे से कहता हूँ, देखो टैक्स ऑन 111A पे कितना होगा, 30 लाख का 15% 4,50,000, देन टैक्स ऑन अदर इनकम दैट इज 20 लाख, 20 लाख ही है सॉरी 2 करोड़ 80 लाख, यस। तो सो आपका स्लैब लगेगा, जब आप इसमें स्लैब लगाओगे तो इसमें आपका जो बेसिक टैक्स बनेगा वो आपका आएगा 5,77,500। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो आपका टोटल जो बेसिक टैक्स बनेगा कितना आएगा, दैट इज 10,27,500। इसके बाद आप सबसे पहले ऐड करोगे इसमें सरचार्ज। अच्छा सरचार्ज यहाँ पर दो दो अप्लीकेबल होंगे, एक तो आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 15% 111A में, ठीक है, 4,500 का 15% यानी कि 67,500। देन सरचार्ज लगेगा, यस। तो बाकी पे सरचार्ज कितना लगेगा आपका, 25%, दैट इज 1,44,375। देन फोर परसेंट हायर एजुकेशन टोटल भी है टैक्स लाइबिलिटी।
that is 12,88,009. Alright. So student, this is section 1 by B AC. AC है, ठीक है, देखो इसमें कोई एग्जामिशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है. तो अगर आपने मान लीजिए एग्जाम में आ गया और आपने एग्जामिशन दिया, कोई क्वालिफिकेशन याद नहीं किया, तब तो ठीक है, मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है ना. तो ध्यान से करना, एग्जाम में टेक्स्ट पढ़ने के लिए आ सकता है क्वेश्चन कि मान लीजिए यही सेम इनकम दे दी और बता दे दैट यू नीड टू एडवाइस दैट पर्सन दैट टू ऑप्ट वन फॉर बीएससी और नॉट. सो दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉन प्रोविजन एज वेल एज पर सेक्शन 115 बीएससी, राइट. एंड जो भी लोअर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडवाइस होगे, राइट. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शन 115 बीएससी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.